पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पुलिस कंट्रोल रूम नीमच परिसर में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कोरोना जांच शिविर में नीमच शहर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अजाक्स थाना, कैंट थाना सहित विभिन्न थानों में पदस्थ पुलिस कर्मियों के कोरोना सैंपल लिए गए और जाँच की गयी। CSP राकेश मोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम में आज छूटे हुए पुलिस कर्मियों की जांच की गई है। CSP राकेश मोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस कंट्रोल रूम में जो छूट गए थे उन पुलिस कर्मियों की जांच के लिए दूसरी बार कोरोना जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें पुलिस कर्मी कोरोना की जांच करवा रहे हैं। रिपोर्ट आने पर संक्रमित पुलिस कर्मी को चिकित्सकों की सलाह के अनुसार उपचार दिया जाएगा। दोपहर बाद प्रारंभ हुए इस कोरोना जाँच शिविर में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने अपनी कोरोना जाँच करवाई। के अभी पहले पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अपने पुलिस कर्मियों को कोविड के संक्रमण से बचाने के लिए सभी का 100% टेस्ट कराया गया था, जिसमें पहले 127 लोग और दूसरी बार में 132 लोग जो है टेस्ट कराए गए थे। बाकी जो बचे हुए हैं उनके लिए आज कैंप लगाया गया है। जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो तथा उनके यदि परिवारजन भी उसमें टेस्ट कराना चाहते हैं तो वो उसमें टेस्ट करा सकते हैं, और वो एंटीजन टेस्ट हो रहा है जिससे कि साथ के साथ रिपोर्ट आ जाएगी और उसको RT-PCR की रिपोर्ट आने तक उनको क्वारंटाइन रख के उसकी कंफर्मेशन रिपोर्ट मंगाई जाएगी। आज कितने लोगों का टेस्ट? अभी टेस्ट चल रहा है 12 बजे से, और देखिए अंदाज है कि करीब 150 के करीब पुलिस कर्मचारी और उनके परिवार वालों का टेस्ट कराया जा सकता है।